सो ही गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल झारखंड लैब। तो यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं, अभी जैसे कि आप लोगों को पता है क्लास टेंथ का रिजल्ट आ चुका है एंड 90% स्टूडेंट्स उसमें पास रहे हैं। ठीक है, मतलब 90% रिजल्ट उन बच्चों का रहा है क्लास टेंथ वालों का, एंड रिजल्ट काफी अच्छा रहा है। ठीक है, एंड इसी के बाद हम लोग अभी जानने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का रिजल्ट कब आएगा, क्लास एट का रिजल्ट कब आएगा, क्लास नाइन्थ का रिजल्ट कब आएगा एंड क्लास इलेवंथ का रिजल्ट कब आएगा। तो अभी हम लोग जैक बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट से, आपको पता है कि आप लोग का टेंथ का रिजल्ट जो आ चुका है, एंड आई होप कि आप सब लोगों ने देख लिया होगा। एंड अभी हम लोग देखेंगे कि ट्वेल्थ एट नाइन्थ टेंथ सॉरी एट नाइन्थ और इलेवंथ ट्वेल्थ का हम लोग देखेंगे, टेंथ का रिजल्ट आ चुका है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे कि आप सबको पता है कि टेंथ का जो रिजल्ट है वो 19 सॉरी 20 को आना था, इट मीन्स कि आज आना था, लेकिन जो है आया एक दिन पहले। और आपको मैं बता दूं कि जैक बोर्ड के साइड से एक न्यूज आई हुई थी, वो मैं आप लोगों को एक बार बताना चाहूंगा। ठीक है, कि बेसिकली उसे बताया जा रहा था कि जैक बोर्ड का जो रिजल्ट है वो कब रिलीज करी जाएगी, उसमें बताया गया था। तो सिंपली आप लोग को यहाँ पे हमने कम्प्लीटली उस चीज को कवरअप किया हुआ था कि यहाँ पे बोला गया था कि जैक बोर्ड के द्वारा जो क्लास ट्वेल्थ का जो रिजल्ट है वो आप लोगों को बोला जाता 30 अप्रैल, मतलब जो बोला जाता एक्सपेक्टेड था कि 30 अप्रैल तक में रिलीज कर दी जाएगी, लास्ट लास्ट तक में ऐसा बोला गया था। जबकि जो है टेंथ का जो रिजल्ट है कि जो बोला जा रहा है, जबकि टेंथ का जिस दिन रिजल्ट में बताया गया था, जिस दिन टेंथ का रिजल्ट का डेट अनाउंस हुआ था, जैक के सचिव ने करा हुआ था, उस दिन उन्होंने बताया कि इंटरमीडिएट एग्जाम का जो रिजल्ट है वो 17 मई तक में जारी किया जाएगा। जी हाँ, जो क्लास ट्वेल्थ का जो रिजल्ट है, देखो अब बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोलेंगे, बट ये ऑफिशियली उन्होंने बोला हुआ था कि टेंथ का रिजल्ट हम लोग 20 तारीख को जारी करेंगे, वही ट्वेल्थ का जो रिजल्ट है 17 मई 2024 तक जारी करेंगे। रीजन बताता हूँ, रीजन भी सुन लो। रीजन है कि जैसे कि टेंथ का जो कॉपियों का मूल्यांकन होता है वो 5 से 6 सब्जेक्ट, मैक्सिमम 7 से 8 सब्जेक्ट होते हैं कॉमर्स वगैरह मिला करके। ठीक है, जो कि कॉपियों का मूल्यांकन बहुत ईजिली हो जाता है और टीचर्स अवेलेबल होते हैं, भरपूर टीचर्स अवेलेबल होते हैं टेंथ तक में। ठीक है, तो कॉपियों का जो चेकिंग का प्रोसेस है बहुत फास्टर एंड बहुत स्मूथ एंड बहुत ही जल्दी हो जाता है। ठीक है, और ज्यादा सब्जेक्ट्स भी नहीं होते हैं तो रिजल्ट प्रिपरेशन करने में ज्यादा कोई देर नहीं होती है, तो फटाक से वो रिलीज कर दी जाती है। लेकिन ट्वेल्थ में जो सब्जेक्ट आओगे, जैसे कि इलेवंथ और ट्वेल्थ में सब्जेक्ट्स काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ट्वेल्थ में होता है कॉपियों का मूल्यांकन होना है, फिर कॉपियों को रिजल्ट रेडी करनी है। ठीक है, तो उन सारे चीजों में प्रोसेस में लेट हो जाता है। और आप बता दो कि ट्वेल्थ का जो है रिजल्ट बनने से पहले, मतलब कॉपियों का मूल्यांकन के टाइम ही देर हो गए, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे शिक्षक अवेलेबल नहीं थे, जैसे कंप्यूटर साइंस का हो गया एंड आप लोग का कुछ कुछ और सब्जेक्ट्स का था जो कि आर्ट्स में के पोर्शन में था, साइंस में आप लोग कंप्यूटर साइंस का था, फिर कॉमर्स में भी कंप्यूटर साइंस आता है। इस वजह से जो है ना सबका जो रिजल्ट है फिलहाल थोड़ी देर के लिए होल्ड हो गया, मतलब थोड़ा डिले हो गया, बिकॉज जब कॉपियों का मूल्यांकन होगा ही नहीं, क्योंकि कॉमर्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस रखते हैं और ट्वेल्थ में साइंस में भी कंप्यूटर साइंस रखते हैं, तो ये दोनों का रिजल्ट स्टिक हो गया, मतलब रुक गया। ठीक है, उसके बाद आप लोग का ट्वेल्थ में आर्ट्स कब में आए, तो आर्ट्स में भी बहुत सारे कॉपियों का मूल्यांकन, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि जिसके टीचर्स अवेलेबल थे नहीं, तो उनको फिर बुलाया गया, हाई स्कूल के टीचर्स को बुलाया गया, कॉलेज वगैरह के टीचर्स को बुलाया गया, इवन जो टीचर्स जिस सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ाते हैं वैसे टीचर्स सब्जेक्ट्स की कॉपियों को चेक करें हैं। ठीक है, इस बार आप लोगों को मैं ये भी चीज बता दूं, तो ये सारे न्यूज़ भी आए थे। अगर आप लोग अपडेटेड रहते होंगे तो आपको पता होगा, आप लोग न्यूज़पेपर डेली चेक करते होंगे या फिर वीडियोस यूट्यूब पे देखा करते होंगे मेरा या फिर किसी और का भी, तो आप सबको ये अपडेट्स मिले होंगे कहीं से ना कहीं से। तो ये सारे फैक्ट्स की वजह से, ये सारे प्रॉब्लम की वजह से रिजल्ट्स जो है होल्ड हो गई है, एंड रिजल्ट्स 30 अप्रैल को भी आ सकती है, मतलब 30 अप्रैल तक में भी आ सकती है, एक्सपेक्टेड नॉट श्योर। लेकिन हाँ, जो जैक के जो सचिव ने जो इन्फॉर्मेशन दी कि रिजल्ट 17 मई तक जारी किया जाएगा, देन डेफिनेटली 17 मई तक में आप लोगों का रिजल्ट जारी होगा। 17 मई से पहले भी हो सकता है, 16 को हो सकता है, 15 को हो सकता है, 10 को भी हो सकता है, 30 अप्रैल को भी हो सकता है, कोई श्योर नहीं है। सो डेट आएगा मैं आप लोग बता दूंगा। इसी तरीके से क्लास 11th 8th और 9th का रिजल्ट है बाबू आप लोग का मई के एंड में, जैसे कि अभी 12th का जो रिजल्ट बचा हुआ है, जैसे कि और मैं एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे अब जैसे कि देर हो रही है रिजल्ट को रिलीज करने में 12th का, तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स का जो रिजल्ट है वो एक साथ जारी कर दिया जाएगा 12th में, बता रहा हूँ। ठीक है, 12th बच्चों से सबका रिजल्ट एक साथ जारी कर दिया जाएगा और सेम डे में, अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो साइंस और कॉमर्स का सेम डे आएगा और आर्ट्स का 2-4 दिन के बाद आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग का रिजल्ट आ सकता है। सो अगर कोई आप लोग को श्योर डेट दे रहा है, देन डेफिनेटली वो इन्फॉर्मेशन हो सकता है थोड़ी गलत हो, क्योंकि जो डेट्स आए हुई हैं ये चीजें थी जो कि मैंने आप लोग को यहाँ बता दिया। अब बच्चे क्या क्लास 8th 9th और 11th वाले, तो आप लोग का रिजल्ट बाबू बारी बारी आएगा। पहले मान लेते हैं क्लास, जैसे कि आई थिंक क्लास 11th का रिजल्ट पहले आएगा, फिर 9th का आएगा, फिर 8th वगैरह का आएगा। ठीक है, या फिर 8th का आएगा, फिर 9th का आएगा, 11th का आएगा, कोई ऐसा सिक्वेंस नहीं है। तो हर साल आई थिंक पहले 11th का आता है, फिर 9th का आता है, फिर 8th का आता है। पिछले बार 8th और 9th और 11th का तीनों का साथ साथ में आ गया था। ठीक है,
या फिर 8th और 9th का साथ में आया था, 11th का बाद में आया था, ये पहले आया था, इस तरीके से कुछ हुआ था। तो आप लोग का भी रिजल्ट आ जाएगा, और ये जो है मई के लास्ट तक में आप लोग का भी क्लास 8th 9th और 11th के रिजल्ट्स को रिलीज कर दी जाएंगे, ठीक है। और अब मैं आपको बता दूं कि आप लोग को रिजल्ट्स कैसे देखनी है, तो सिंपली आप लोग को गूगल पे आ जाने। देखो यार, आप लोग जो है रिजल्ट्स यहीं से देखना, क्योंकि इस बार जो झारखंड बोर्ड के जितने भी क्लास 10th के बच्चे थे ना, सारे विद्यार्थी यहीं से रिजल्ट्स को देखे हैं। एंड बहुत सारे और मतलब यहाँ ऑफिशियली बेसिकली आप लोग रिजल्ट्स को देख सकते हो। तो गूगल पे आइएगा, गूगल पे आप लोग को क्या सर्च कर लेनी है, झारखंड लैब, ठीक है। तो आप लोग को ये सर्च कर लेनी है, इसके अलावा किसी भी वेबसाइट में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग को यहीं से बस एक वेबसाइट आप लोग याद रखो, झारखंड लैब, एंड यहाँ से आपको रिजल्ट देखना है, ये फिक्स कर लो, एंड यहाँ से आप लोग 100% रिजल्ट को देख पाओगे, ठीक है। जैसे कि कल आप लोग का 10th का रिजल्ट आया था, तो आप लोगों को भी मैं अभी लाइव चेक करके दिखला दूंगा, ठीक है। देखो क्लास यहाँ पे झारखंड.com पे आइएगा, इस पे क्लिक कीजिएगा फर्स्ट वाले लिंक पे, एंड उसके बाद आप लोग को फर्स्ट में ही देखिए यहाँ पे जैक 10th एंड 12th का रिजल्ट, ठीक है। अभी 8th 9th और 11th का यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, इसी में अपडेट हो जाएगा, सो डोंट वरी। आप लोग अगर 8th वाले हो, 9th वाले हो, 11th वाले हो, तो आप भी इसी में आ जाइएगा, ठीक है। सिंपली आप लोग को इस पे क्लिक कर देनी है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो, जैसे कि 19 अप्रैल को रिलीज कर दी गई है 12th, सॉरी 10th की। जैसे कि मैं यहाँ पे देखो आओगे नीचे हल्का सा, तो यहाँ पे एक ये बॉक्स मिल जाएगा। आपको क्या करनी है, आप जिस भी क्लास से हो, जैसे कि मान लेते हैं कल 10th का आया, तो 10th का हम डाल दिए। अब मान लो हम एक कोई भी यहाँ पे एक रोल कोड डाल दिए, एक रोल नंबर डाल देते हैं, ठीक है, चलो 1 डाल देते, नहीं चलो जो भी हमारा रोल नंबर है वो हमने फिलअप कर दिया, और सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन रिजल्ट जो है लाइव आपके यहाँ पे दिख जा रहा है, और सिंपली आप लोग को क्या करना है, प्रिंट पे क्लिक करके अपने रिजल्ट्स को प्रिंट कर लेना। बट ये हमारे रिजल्ट्स नहीं है, तो हम लोग इसको प्रिंट नहीं करेंगे, बस सिंपली छोड़ देंगे इसको, ठीक है। तो और इसके बाद हम लोग बैक कर लेंगे। इसी तरीके से अगर आपको 8th की देखनी है, तो 8th सेलेक्ट करेंगे, फिर अपना रोल कोड एंड रोल नंबर फिलअप करेंगे। जैसे कि 8th का रिजल्ट तो स्कूल में आता है, ठीक है, लेकिन 9th का वेबसाइट पे आती है, ठीक है। तो 9th में भी आएंगे तो अपना रोल कोड एंड रोल नंबर फिलअप करेंगे, फिर 12th 11th में आएंगे, फिर अपना रोल कोड एंड रोल नंबर फिलअप करेंगे, फिर 12th में आएंगे, 12th का जो है स्ट्रीम वाइज आती है, एंड साइंस एंड कॉमर्स एंड आर्ट्स की अलग अलग से आती है, ठीक है। तो 12th में जब आएंगे तो हम लोग 12th में अपना फिर स्ट्रीम चूज करेंगे, हम भैया हम लोग साइंस वाले हैं तो साइंस यहाँ पे आएंगे, एंड देन फिर आप लोग अपना जो भी रिजल्ट, जैसे कि मान लो अगर हम यहाँ पे डालें कोई सा भी डाल देते हैं, ठीक है, एंड जस्ट सिंपली हिट करेंगे, तभी ये रिजल्ट रिजल्ट नॉट फाउंड दिखेगा। बिकॉज आप सबको पता है कि अभी 10th का जब रिजल्ट आया, तो कम्प्लीटेड डेटाबेस जैक बोर्ड का रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। अगर आपको नहीं मालूम बता देता हूँ, कम्प्लीट डेटाबेस रिप्लेस हो जाती है, जिसकी वजह से रिजल्ट नॉट फाउंड का भी एरर होगा। बट हाँ, जिस दिन रिजल्ट आएगी उस दिन आपको रिजल्ट 100% दिखेगा यहाँ से, जैसे कि 10th का, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, इसी तरीके से आप लोग को 12th 8th और 9th और 11th का सबका रिजल्ट दिखेगा, ठीक है। इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम हमारे व्हाट्सएप पे मैं जिस दिन रिजल्ट आएगी उस दिन शेयर कर दूंगा। और आप लोग याद भी रखना कि आप लोग को झारखंड लैब पे आनी है, झारखंडलैब.com पे आने के बाद आप लोग को फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करनी है, फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको हल्का सा नीचे स्क्रॉल करना है, अपना क्लास चूज करना है, ठीक है, मान लेते हैं 11 चूज करें, फिर अपना रोल कोड एंड रोल नंबर चूज डाले, एंड देन सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और अगर 12th वाले हो तो फिर आप लोग अपना साइंस कॉमर्स आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम से हो वो सेलेक्ट कीजिएगा, फिर अपना रोल नंबर रोल कोड फिलअप कीजिएगा, एंड देन सबमिट बटन पर हिट कीजिएगा, एंड आपके सामने रिजल्ट होगा, एंड देन उसके बाद आप प्रिंट कर लेना, ठीक है। तो ये प्रोसेस था जो कि मैंने डेट के साथ आप लोग को बता दिया, और टाइमिंग देखो टाइमिंग इस बार थोड़ा चेंज हुआ है रिजल्ट रिलीज करने का। पहले 2:30 बजे रिजल्ट रिलीज करे जाते थे, बट इस बार जो है 12:10 के आसपास में रिजल्ट रिलीज कर दिए गए थे 10th का, ठीक है। तो 12th का भी इसी तरीके से हो सकता है, कभी भी रिजल्ट आ सकता है। तो आप लोग को डेट जैसे ही आता है मैं बता दूंगा चैनल पे ही वीडियो बना करके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किसी तरह का कोई कंफ्यूजन कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे डेफिनेटली मैसेज कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम पे ज्वाइन करके रखिए, ताकि वहां पे जो भी अपडेट्स आएंगे मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।